हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, मैथ्स विथ, ये जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स विथ पवन राव, मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जितनी भी हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ाई है अभी तक, 32 लेसन हमारे हो चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीगन के बारे में। 32 लेसन हमारे हो चुके हैं, और अगर आपने ये 32 लेसन देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्वेश्चंस, हमारे जो लेसन है वो लगभग होता है 40-45 मिनट्स का एवरेज आपका। कोई लेसन अगर 35 मिनट्स का है तो कोई लेसन 51 मिनट्स का भी होगा। आप लोग मुझसे दूर हैं और आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। कुछ लोगों ने मतलब कॉल भी आते हैं मेरे पास, और आप लोगों को लगता है कि सर बहुत सारी ज्योमेट्री हो गई है, ये याद नहीं हो पाती है ज्योमेट्री कंप्लीट, और हमें समझ में नहीं आ पाती। इसके बाद ये लास्ट लेसन हमारा है, और आज सैटरडे इवनिंग है। कल की क्लास में मैं शुरुआत करूँगा मंडे से, मतलब कल की क्लास में हमारा ओनली जो संडे टॉक होता है वो हम लोग करेंगे। नॉर्मल छोटी छोटी बातें करेंगे कल की क्लास में, संडे को इवनिंग में टाइम मिला तो मैं 100% आने की कोशिश करूँगा। तो कल संडे टॉक करते हैं, और मंडे से मैं इसके क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूँगा। कुछ लोग अभी भी मेरे पास कमेंट भेजते रहते हैं कि सर 100 क्वेश्चंस करवाना, इतने क्वेश्चंस करवाना। आप लोग क्वेश्चंस की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कम से कम मैं इसके 250-220 इतने क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 50-60 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें, और लगभग 200 क्वेश्चंस मैं आपको और करवाने वाला हूँ, जिससे थ्योरी आपकी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज का जो वीडियो है, पिछले जो 32 लेसन अगर देखे हैं आपने, और आज का वीडियो देखने के बाद अगर उन लेसन्स को आप लोग वापस देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सही समझ में आएंगी। कई बार ऐसा होता है पढ़ते जा रहे हैं, कितना पढ़ना है ये पता नहीं लगता है। तो आज हमारा जैसे ही ख़त्म हुआ, और हर चैप्टर में मैं ऐसे ही करूँगा, जैसे ही ख़त्म होगा एक रिवीजन क्लास होगी, जिससे पूरा का पूरा जो शुरुआत से मैंने आज से लगभग 20-25 या 22 दिन पहले जो लेसन डाल चुका हूँ उसका रिवीजन करवाऊँगा, ताकि कल की क्लास से, जैसे ही मैं मंडे की क्लास से क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूँ, तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए और थ्योरी आपको रिकॉल हो। तो शुरू मैंने पढ़ाया क्या है, अभी आज की क्लास आप लोगों को देखनी है। जो भी अपनी क्लास हो, 1 आवर की हो, 1.5 की हो, 2 आवर्स की क्लास हो, जो भी अपनी क्लास हो, आप लोग सैटरडे इवनिंग है तो आप लोग अपना मोबाइल लीजिए, ईयरफोन कान में डालिए, और कंप्लीट आपको लेसन देखना है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और पूरी थ्योरी की एक पिक्चर आपकी क्लियर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री के रिविज़न से, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और इसके साथ आप लोग अपने चैनल के साथ लास्ट तक, ये लेसन मैंने अभी तक नहीं कहा कि लास्ट तक देखो, लेकिन ये लेसन आपको 100% लास्ट तक देखना है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को पढ़ाया ट्रायंगल। उसके बाद दो नंबर लेसन जो हमने ट्रायंगल के बाद दो नंबर जो लेसन पढ़ा था वो हम लोगों ने, मान लीजिए पढ़ा, जो भी चैप्टर वो एक बार मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, सर्किल पढ़ा। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया लाइन और एंगल के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ने की शुरुआत की थी क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद हम लोगों ने पांचवा जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था, इसके पास ही मैं लिख देता हूं, पांच नंबर जो टॉपिक पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीगन। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, लास्ट तक ये चैप्टर आप लोगों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई देखने को मिलेंगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है, हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलेंगे। कई बार आप लोग कमेंट करते हो कि सर हिंदी में, कई बार आपको लगता है इंग्लिश में, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे। और आज की क्लास अभी तो हमारी शुरुआत है, लास्ट तक अगर आप लोग देखोगे तो पूरी पिक्चर जो थ्योरी है अपनी ज्योमेट्री की वो क्लियर होगी, और मंडे से जैसे ही मैं क्वेश्चंस आने की शुरुआत करूंगा आपको अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। अब आपको करना क्या है, एक अपनी पूरी कंप्लीट थ्योरी की जो है वो एक रेक बनानी है। जैसे आप लोगों को ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना है, ये पांच टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है ट्रायंगल, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अपने पास 7 पॉइंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये अगर 7 पॉइंट आपके क्लियर हैं,
ये 7 पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे पिछले साल एसएससी में आया हुआ हो, चाहे आप लोगों के सामने नया क्वेश्चन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी ठीक से पढ़ी है और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ उनको अगर ईमानदारी से करते हो। तो हमें 4 तो सेंटर्स पढ़ने हैं, हम लोगों को जो ट्राइंगल में पढ़ना होता है वो 4 सेंटर्स हम लोगों को पढ़ना होता है, एक तो ऑर्थो सेंटर, एक इन सेंटर, एक हम लोग पढ़ते हैं सर्कम सेंटर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोइड, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिमिलरिटी, फिर कॉन्ग्रेंसी और फिर पढ़ते हैं हम लोग सीवियंस। ये अगर 7 पॉइंट आपने ट्रायंगल में अच्छे से पढ़े हैं, और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, ट्रायंगल से आप लोगों को समझाने की शुरुआत करता हूँ, ट्रायंगल के पॉइंट वाइज कौन कौन से पॉइंट में आपको क्या क्या याद रखना है वो भी मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा। और ट्रायंगल में आपको सबसे पहले एक पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें ट्रायंगल में ये 7 पॉइंट पढ़ने हैं। 7 पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, पहले पॉइंट से मैं शुरुआत करता हूँ, टिक करते चलता हूँ और वो पॉइंट आप लोगों को समझाते चलता हूँ, और आप लोग देखना कि आपको ये समझ में आया जो पहले वाले वीडियोज़। देखो आज सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है लास्ट में, ताकि कल से जैसे ही मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूं आप लोग अच्छे से समझ पाओ। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये जो पहले आपने वीडियोस पढ़े हैं और इनका बेसिक अगर आपको जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप लोग पहले जो बेसिक जो चीजें हैं इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंप्लीट अच्छे से क्यों होता है सारी चीजें अगर देखनी है तो मेरे पहले वाले वीडियोज आप लोग देखिए। देखो ये सारे पॉइंट्स का डिस्कशन मैं करूंगा तो आप लोग, लेकिन ये वीडियो देखना 100% आप लोगों को बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। तो देखिए क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए शुरुआत करता हूं, जैसे ये 7 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, मान लो इन सेंटर, टिक करता जाता हूं, पढ़ाते चलता हूं। इन सेंटर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए ये यहाँ से एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर या अंतःकेंद्र। एंगल बाइसेक्टर, ये चीज़ें जो याद रखनी इसको इन सेंटर या एंगल बाइसेक्टर जो अंतःकेंद्र बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी मैं साथ साथ बताते चलता हूँ। इन सेंटर यानी कि अंतःकेंद्र, हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम इन सेंटर या अंतःकेंद्र के बारे में। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर जो होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। ये वाली साइड अगर सी है, ये वाली साइड अगर बी है, तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, रेशियो सी इज टू बी। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, जो इन सेंटर होता है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड ए मान लो, ये साइड अपने पास सी और ये साइड बी, इसके सामने ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी, और ये अपने पास इसका इन सेंटर अगर है तो ये अगर पॉइंट डी माने तो ए आई और आई डी का जो पॉइंट रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी इज टू ए। क्या याद है क्या? हाँ ना आप लोगों को बोलना है कि हाँ सर हमें याद है। याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस वापस देखिए, क्यों आया, कैसे आया, मैंने ये वहाँ पर कंप्लीट आपको समझाया, मैंने प्रूव करने की भी कोशिश की, हर चीज़ मैंने प्रूव करके बताई है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जो मैंने नहीं बताया प्रूव करके। अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें इस प्रकार से जो पॉइंट आप लोगों को याद रखने वो मैं बताते चलता हूँ। एक ट्राइंगल ए बी सी में इन सेंटर जैसे ही है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र बोलते हैं, और ये वाला जो एंगल होता है अंतःकेंद्र अगर ये है तो ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होगा। ऐसा आप लोगों को पता होगा कि इन सेंटर को सेंटर मानकर एक हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, एक वृत्त हम लोग खींच सकते हैं, और उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस होती है क्षेत्रफल अपॉन एस। अंदर की तरफ हम लोग वृत्त खींच सकते हैं और उस वृत्त का जो क्षेत्र, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ऐसा मैं समझा चुका हूँ, क्यों आया ये पॉइंट भी मैंने बताया था। आगे मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से आगे बढ़ाने पर, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं अक्स सेंटर, बहिर्केंद्र। और मैंने बताया कि बहिर्केंद्र जो होता है अक्ष सेंटर पर बना जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए।
और इसके बाहर की तरफ एक सर्किल खींच सकते हैं, और ये जो सर्किल खींच सकते हैं इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। इतनी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी इन सेंटर में, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रूव करके बताई हैं कि ऐसा हुआ क्यों, सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको बेसिक से देखना है, ये तो मेरा रिवीजन है एक बार आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा तो इनको काम में लूंगा। बाकी अपना जो पहले मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बेसिक अगर देखना है तो फिर आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए। याद क्या क्या रखना है, इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर सामने वाली साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर आगे याद रखना है कि इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर पर बना एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर करें वहाँ पर 90° माइनस हाफ ऑफ है, ये आपको पता होगा, इसको अक्ष सेंटर बोलते हैं, और इसकी वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। अगर आपको कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना है, सारी चीज़ें क्यों अगर समझना है, तो आप लोग बेसिक पर पहुँचिए, बाकी मैंने इन सेंटर पर ये पढ़ाया है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और क्वेश्चन से पहले ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, मैं रिविजन करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कंप्लीट चीज़ों का। पहला पॉइंट, और ऐसे ही मैं 7 पॉइंट फटाफट डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मैं 32 लेसन डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, कंप्लीट अच्छे से समझाया है। लेकिन आप लोग जो 1 महीने पहले वीडियो देख चुके हो सकता है आपको थोड़ा कम याद हो, आज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मंडे से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा, और कल अगर टाइम मिला कल शाम को तो मैं स्टूडियो में आता हूँ और हम लोग छोटी छोटी संडे टॉक करते हैं, वो हम लोग करेंगे कल शाम को। देखिए, दूसरा मैं आप लोगों को समझाता हूँ सेंट्रोइड के बारे में समझाता हूँ। चलो, सेंट्रोइड होता क्या है, सबसे पहले मीडियन, एक ट्रायंगल एबीसी है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन या माध्यिका, इंग्लिश और हिंदी में मैंने कहा है, दोनों में लेकर चलूँगा मैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड या केंद्रक के बारे में। आपको याद होगा मैं बता चुका हूँ, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र जो होता है, ग्रेविटी सेंटर जो होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है, इसको इसी का नाम सेंट्रोइड या केंद्रक भी इसी का नाम है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए अपोलोनियम थ्योरम बताई थी, मीडियन अगर दी हुई है तो अपोलोनियम थ्योरम मैंने कहा था ab² + ac² = 2² ad² + dc² ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ मीडियन के लिए। आप लोगों को याद होगा मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था, एक ट्रायंगल की दोनों मीडियन, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90° पर काटें, ये कुछ कंडीशंस बताई थी अगर आपको याद हो तो, एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90° पर काटें, तो मैंने कहा था आप लोगों के लिए, लिखवाया था मैंने आप लोगों के लिए कि ab² + ac² = 5bc² हाँ ना बताओ याद है क्या, मीडियन में सेंट्रोइड में क्या क्या याद रखना है। नंबर वाइज मैं लेसन डाल चुका हूँ क्यों होता है, हर चीज़ का प्रूव मैंने बताया, लेकिन ये लेसन क्वेश्चन करने से पहले ज़रूर देखना आप लोग कंप्लीट लेसन। मैंने ये भी कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो मीडियन दी हुई है, ए बी सी, एक दी भी है ए एम और एक दी भी है सी एन, ये तो दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90° पर काटें, और ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन दी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया कि ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर, ऐसा आप लोगों को लिखवाया था अगर आपको याद हो तो। एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसका 3 गुना बराबर होता है माध्यिकाओं के स्क्वायर के 4 गुना के, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होता है, ऐसा मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया था अगर आप लोगों को याद हो तो। एक पॉइंट और जो मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया था, मैंने कहा था कि ट्रायंगल के तीनों ए डी प्लस बी ए बी प्लस साइड सॉरी पहले साइड लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए छोटा होगा 4 गुना ए डी प्लस बी प्लस सी एफ से,
ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है कि भुजाओं के सम का 3 गुना और ये इसके सम के 4 गुना से छोटा होता है, और ये भी बताया कि ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का सम AD प्लस BE प्लस CF छोटा होता है किससे, इसके पेरीमीटर से, AB प्लस BC प्लस CA से। एक पॉइंट मैंने ये भी लिखवाया था। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखनी है मीडियन में, हर चीज़ का मैंने क्यों बताया, और क्यों के बीच से भी क्वेश्चन पूछता आजकल SSC, ये कैसे आया इसके क्यों पर, और ये कैसे आया इनके क्यों पर भी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए वो पॉइंट्स जो अगर आपको क्यों देखना है, प्रूव अगर कोई चीज़ देखनी है, 32 लेसन में पहले ही डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग देखना। बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया मीडियन में याद रखनी है कि मीडियन होती क्या है, क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर बराबर भागों में क्यों बांटता है। कंडीशन याद रखना, अगर एक ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें तो AB² + AC² = 5BC, और ये सारा समझाया मैंने, आया कैसे वो सब बताया। दूसरा, दो एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियन अगर दी भी हो तो फिर ये रिलेशन होता है। ये अपने पास ये कैसे आए, सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं। ये अपोलोनियम थ्योरम, 3 अपोलोनियम थ्योरम लिखवाई थी, उन सभी को ऐड करते हो तो फिर ये रिजल्ट आता है, और फिर ये दो रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, और इन सभी पर बेस्ड SSC क्वेश्चंस पूछता है। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को ये याद रखना है किसमें, मीडियन, सेंट्रोइड या केंद्रक में। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र थर्ड पॉइंट समझाता हूं, और ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री आज की क्लास में समझा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी और पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा, और परसों की क्लास में जैसे ही क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा आपको अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट ये फर्स्ट लेसन मेरा अगर देख रहा है, पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पर आया है, तो प्लीज़ आप लोग पहले 32 लेसन देखिए, उसके बाद आपको सही से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि इतना फास्ट क्या बता रहे हैं, क्या चल रहा है, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। पहले 32 लेसन देखिए। हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की, थर्ड पॉइंट। ऑर्थो सेंटर में आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र पर बना एंगल होता है 180 डिग्री माइनस A। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र पर बना एंगल होता है 180 डिग्री माइनस A। अगर आप लोग बात करते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो उसमें ऑर्थो सेंटर बनता है अंदर की तरफ। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हो तो ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर बात करो तो ऑर्थो सेंटर उससे बाहर निकल जाता है, यहां पर बनता है। ट्रायंगल तो ये है लेकिन इससे बाहर बन जाता है, आप लोगों को याद होगा। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को ऐसे भी समझाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी पड़े, समकोण त्रिभुज में एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी पड़े, तो मैंने बताया कि BD की जो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB × BC / AC। राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर अपने को BD की लेंथ निकालनी पड़े तो AB × BC / AC फॉर्मूला बताया था। आप लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालोगे एल्टीट्यूड की लेंथ, और आप लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालोगे एल्टीट्यूड की लेंथ, और इसमें कैसे निकालोगे, फॉर्मूला तो डायरेक्ट था, और ये यहाँ पर कैसे निकालोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और अपने पास जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको जो पहले वाले लेसन पढ़ाए हैं उनमें समझाया था आप लोगों को, या आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं है तो मेरे पहले वाले वीडियोज़ आप लोग देखिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पॉइंट समझाता हूँ, जो अपना 4 नंबर पॉइंट है सर्कमसेंटर या परिकेंद्र, उसको लेकर चलता है। दोनों लैंग्वेज में ले रहे हैं, सर्कम सेंटर या परिकेंद्र, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। सर्कम सेंटर या परिकेंद्र जो है, एक ट्रायंगल के साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। सर्कम सेंटर या परिकेंद्र जो होता है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और इसके परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला A × B × C / 4 × एरिया। और आप लोगों को यह भी याद होगा कि यहां पर बना जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ट्वाइस ऑफ ए सॉरी
यहाँ पर बना एंगल होता है ट्वाइस ऑफ ए, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया। मैंने आपको ये भी बताया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में निकल जाता है बाहर। ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों जब बताया था तब बताया था, अभी सिर्फ ये याद होनी चाहिए। आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों को यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी ये ए बी सी है, यहाँ से अगर यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो ए सी बाई टू होगी। ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले बताया कि बी डी की लेंथ ये इंटू ये अपॉन ये, और अब मैं बता रहा हूँ ए सी की बाई टू होगी। तो कभी डी मिड पॉइंट बोले तब तो ये फॉर्मूला होता है, और कहे कि एल्टीट्यूड है बी डी तब अपने पास फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले बताया इन दोनों का इंटू और कर्ण का भाग देते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने इन चार सेंटर्स के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर आपको लगता है कि सर और डिटेल से होना चाहिए तो पहले वाले वीडियोज़ या तो आप लोग देख चुके होंगे या आपको वो वीडियो देखने चाहिए। मंडे से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ तो आपको ये एक बार थ्योरी आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं, ये सरकम सेंटर या अपने पास हम लोगों ने पढ़ा है परिकेंद्र के बारे में, फटाफट रिविजन कर लेते हैं इनका। दूसरा अपने पास नेक्स्ट पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता, चार पॉइंट पढ़ चुके हैं, पांच नंबर पॉइंट पर चलते हैं सर्वांग समता। और डिटेल से अगर देखना है तो पहले वाले वीडियोस देखिए। अगर दो ट्रायंगल, मैं फटाफट बता देता हूँ, ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, यदि कभी भी अपने पास सबसे पहला रूल था एस ए एस, अगर दो ट्रायंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड एंगल, याद रखना इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, एस ए एस सर्वांग समता, ध्यान रखना। दो नंबर पॉइंट है ए ए एस, दो एंगल और एक अगर भुजा बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होंगे, दो नंबर पॉइंट ध्यान रखना। तीन नंबर पॉइंट था एस 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 और चार नंबर जो पॉइंट था वो था आर एच एस, तीन नंबर पॉइंट था तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और चार नंबर पॉइंट अगर आपको याद हो, और याद उसी को आएगा जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं अच्छे से, आर एच एस। आज की क्लास, सिर्फ आज की क्लास ले रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं फटाफट चल रहा हूँ, यह आपको भी पता होगा। आर एच एस में राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, साइड है, दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो कभी भी तो वो कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब एक तो राइट एंगल हो, हाइपोटेनस बराबर हो और बची भी एक साइड बराबर हो, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ये मैंने समझाया था आप लोगों को कॉन्ग्रेंसी में, कॉन्ग्रेंसी में। साथ ही मैंने ये भी समझाया था कि अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर बनते हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें चारों जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट, इसमें एक लाइन पर बनते हैं, कोलिनियर होते हैं, सरेख्य होते हैं, एक सीधी रेखा में बनते हैं, जबकि इसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड जो होते हैं वो सभी एक ही पॉइंट पर बनते हैं, एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन्ग्रेंसी में मैंने आप लोगों को समझाया था वो ये था कि कभी भी अगर वही लाइन तो मीडियन है और वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है, तीनों में से एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एल्टीट्यूड और एक होता है मीडियन, एक तो होता है अपने पास माध्यिका, एक होता है कोण समद्विभाजक और एक होता है शीर्षलंब, इन तीनों में से अगर एक ही लाइन दो का काम करिए कि यही तो माध्यिका है और यही अगर शीर्षलंब है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग याद रखना, चार पांच नंबर पॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में। देखिए सिमिलरिटी या समरूपता इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सिमिलरिटी में ये हम लोगों ने देखा था कि सिमिलरिटी का जो दो ट्रायंगल में लगेगी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, पहला रूल ट्रिपल ए का रूल था, यदि दो ट्रायंगल अपने पास तीनों के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, पहला पॉइंट। दो नंबर पॉइंट था एस ए एस, अब की बार पहले भी था एस एस लेकिन वहां पर था दो भुजाएं बराबर और एक एंगल बराबर, यहां पर है दो भुजाएं समान अनुपात में होंगी और एक एंगल बराबर होगा तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और तीसरा अपने पास है तीनों भुजाएं समान अनुपात में, तीनों एंगल बराबर, यहाँ दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल बराबर,
दो साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगी, ध्यान रखना इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शन में होंगी, समान अनुपात में होंगी और एक एंगल बराबर, और तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो, वीडियोज़ देखना आप लोग पहले वाले, अगर आपको याद हो तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों का पेरीमीटर का रेशियो वही होगा, जो कुछ भी दे, साइड दे तो साइड का रेशियो, एंगल दे, एंगल बाइसेक्टर दे तो उसका रेशियो, मीडियन दे तो उसका रेशियो, अगर अपने पास अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे तो उसका रेशियो, बाह्य वृत्त की त्रिज्या दे तो उसका रेशियो। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो हमेशा वही होता है, जो कुछ भी दे उसके रेशियो के बराबर। और दूसरा रिजल्ट, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर। साइड दे दिया तो साइड का स्क्वायर करना है, मीडियन दे दिया तो मीडियन का स्क्वायर करना है, एंगल बाइसेक्टर दे दिया तो उसका स्क्वायर करना है, शीर्षलंब दे दिया तो उसका स्क्वायर करना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे दी तो उसका स्क्वायर करना है। ये ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा। और दूसरा आप ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो दो ट्रायंगल जो बनेंगे एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं। इससे रिलेटेड आपको चार रिजल्ट्स आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो, BD बराबर होता है AB इंटू BC, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमेशा आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है सभी लोग ये चार रिजल्ट्स याद रखना, पढ़ाते टाइम भी ये मैंने आप लोगों को समझाया था। तीसरा रिजल्ट याद रखना है, CD बराबर होगा BC² / AC, और चौथा रिजल्ट याद रखना है, AD बराबर होगा AB² / AC। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलरिटी से ही आता है, लेकिन ये चार जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और बताए थे मैंने सिमिलरिटी में, क्योंकि सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट था, समरूपता जो था वो इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें एक पॉइंट मैंने ये समझाया था आप लोगों को कि यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके हमेशा पैरेलल होगी, ये आप लोग भी याद रखना, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। और जैसे ही कभी अगर मिड पॉइंट को नहीं मिलाएं, मान लो इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, ये DE अगर पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो आप लोग लिख सकते हैं AD / AB बराबर AE / AC बराबर DE / BC, या तो ये लिख सकते हैं या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दो ही लिखनी अगर पढ़ें तो AD / DB बराबर AE / AC भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसके बराबर में DE / BC क्यों नहीं लिख सकते, ये सारी जो चीज़ें, या ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें मैंने जब आपको कंप्लीट थ्योरी, 32 लेसन मैंने डाले हैं, 32 लेसन डाले हैं, आज अपना 33 लेसन है जिसमें मैं रिविज़न करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, वो कंप्लीट देखोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने ये भी बताया इसमें, देखो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, इसके टॉप से इसका फुट पॉइंट मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसका फुट पॉइंट मिला दिया जाए तो ये दोनों जहां मिलेंगे उसकी हाइट अगर कभी पूछे तो H बराबर होता है A × B / A + B। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि एक ट्राइंगल ABC में ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक तो अंतःकोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बना एंगल तीसरे एंगल से आधा होता है। ABC एक तो इसका कोण का समद्विभाजक, एक इस कोण का समद्विभाजक जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर बना एंगल इस एंगल A का आधा होता है। और एक पॉइंट मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है, ये एल्टीट्यूड है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अगर ABC है, ये एल्टीट्यूड है और ये एंगल बाइसेक्टर, तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये अपने पास होता है क्या होता है बताओ, अगर आपको याद है तो ये होता है हाफ ऑफ एंगल B - C, एंगल B और C के सम डिफरेंस का आधा होता है, मोड लेना है, एंगल पॉजिटिव ही आएगा तो हो सकता है B बढ़ाओ, हो सकता है C बढ़ाओ, ये अपने को मोड लेना है ताकि आप लोग दोनों के डिफरेंस का आधा कर सको। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 6। और ध्यान रखना ट्रायंगल में हम लोगों को टोटल 7 पॉइंट पढ़ने हैं, और 7वां पॉइंट बताओ कौन सा बचा, बोलो, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो आपको बोलना चाहिए कि 7वां नंबर पॉइंट सर CVN बचा, और CVN में मैंने क्या क्या समझाया था देखिए मैं बताता हूँ।
मुझे आप लोग ये भी बताइए एक छोटा सा पॉइंट कि आने वाले जो लेसन है, अब मैं थोड़ी सी, अभी तक तो हमारा एवरेज 40 मिनट्स चल रहा था और आज से ही आप लोग देखोगे, कल की क्लास से आप लोग देख चुके हो, कल इवनिंग में सैटरडे मतलब कल फ्राइडे को इवनिंग में जो आपके पास लेसन आया था एक पॉलीगन के बारे में, वो भी अपना 1 आवर का लेसन था। आज हमारा सैटरडे शाम को ये लेसन आया है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा 1 आवर से क्लासेस चलनी शुरू हो गई हैं, तो आप लोग ध्यान रखना 40 मिनट से हम लोग थोड़ा सा लेंदी हम लोग अब बनाने की कोशिश करेंगे। आपको हैबिट हो गई होगी, हमेशा 6 से 7 का टाइम आप लोग अपना फ्री रखा करो, कहीं ज्वाइन मत करना। मैं हमेशा 6 से 7 आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो कहीं भी आप लोग को इंस्टीट्यूट वगैरह शाम को ज्वाइन मत करना, सुबह ज्वाइन करना। 6 से 7 आप लोग मेरे साथ रहना हमेशा। जैसे ही वीडियो आता है 6 बजे, आप लोग अपने कान में ईयरफोन लगाओ और 1 घंटे मेरे साथ रहा करो, है ना। देखो इधर, अब मैं बताता हूँ आपको सीवीएन के बारे में। उस टाइम भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि पहली बार पढ़ा था। जब क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन इसमें याद क्या क्या रखना आप लोगों को वो चीज़ मैं समझा देता हूँ। सीवीएन होता क्या है, सबसे पहले मीडियन एल्टीट्यूड उनके बारे में बता चुका हूँ, ध्यान रखना यहाँ से इस पॉइंट पर। सीवीएन के बारे में जो याद रखना है वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आप लोगों को बताई थी। इस वर्टेक्स से सामने किसी भी पॉइंट को मिला दें, इधर कहीं भी मिला दें और इधर कहीं भी मिला दें, डी ई और एफ, और ये मान लो काट रही है ओ पर, 3 लाइन ना तो मध्य बिंदु है, कोई भी पॉइंट है और ये काट रही है मान लो यहाँ पर, तो जो रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अपॉन ट्राइंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल अपॉन ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का एरिया, ये होता है BD अपॉन DC, इन दोनों के रेशियो के बराबर। दूसरा एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो रिजल्ट था वो याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना AF अपॉन FB, AF अपॉन FB, BD अपॉन DC, याद आएगा देखो मेरा पढ़ाया हुआ, नहीं याद आए तो पहले वापस देखिए, C अपॉन EA इक्वल्स टू अपने पास 1। दूसरा सीवीएन का लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, सीवीएन जो होती है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी पॉइंट को मिलाने वाली सीवीएन, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, अगर आपको याद हो तो देखो, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट ओई प्लस टोटल पार्ट बी, लोअर पार्ट ओ एफ अपॉन सी एफ, हमेशा होता है 1। तीसरा रिजल्ट अगर आप लोगों को याद हो, तीसरा मैंने बताया था अपर पार्ट प्लस टोटल पार्ट सीवीएन का, एओ अपॉन एडी, बीओ अपॉन बीई, सीओ अपॉन सीएफ इक्वल्स टू 2 होता है। सीवीएन का लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट, लोअर पार्ट प्लस टोटल पार्ट तो 1 होता है, अपर अपॉन टोटल, अपर अपॉन टोटल इक्वल्स टू 2 होता है, ऐसा मैंने आपको समझाया था अगर आप लोगों को याद हो तो। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बताया था और ये रिवीजन चल रहा है, मैंने बताया था ये मान लो अपने पास सीवीएन है और ये मान लो यहाँ पर एम है, ये एन है, इधर वाली साइड ये बी है, ये साइड सी है और ये कंप्लीट साइड ए है, बी सी की लेंथ जो है ना वो ए है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगर आपको याद हो 4 नंबर जो रिजल्ट मैंने बताया होगा वो मैंने सिखाया होगा कि ये 4 नंबर ये है, ये 5 नंबर रिजल्ट मैंने सिखाया होगा, एन सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बराबर, अपने पास मैंने बताया था एम एन ए, मैंने ये लिखवाया आपको ए अक्ष स्क्वायर प्लस एम एन ए, ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी यहाँ पर, ये रिजल्ट 5 नंबर रिजल्ट जो है वो हम लोगों ने सीखा था। ये अगर लाइन बी सी की लेंथ अगर ए है तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ए अक्ष स्क्वायर प्लस एम एन ए। यहाँ साथ ही मैंने ये भी बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ आप लोगों को क्योंकि समझा रहा हूँ, ये अक्ष है, ये वाई है, ये ए है और ये बी है, तो अक्ष अपॉन वाई बराबर ए अपॉन बी। और एक रिजल्ट मैंने और बताया था यहाँ पर अगर आपको याद हो तो, यहाँ से और यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिए जाएँ ए बी सी, ये पॉइंट मान लीजिए डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, तो एक रिजल्ट आपको कहा था, रिजल्ट आपको बताया था ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
प्लस ए ई स्क्वायर के, ये समझाया था। और सीवीएन में एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर बेस्ड मैंने तीन लेसन बनाए थे और एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, सीवीएन में मैंने कहा था आप लोगों को, इधर देख लीजिए वो पॉइंट ए बी सी, मैंने कहा था जिस भी पॉइंट पर ये मिले, ये ए है और ये बी है, तो ध्यान रखना जो ये वेट का जो रेशियो होता है ये यहाँ पर होगा बी इज टू ए। आप लोगों को एमपीजी पढ़ाया था और एमपीजी थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, मास पॉइंट जो ज्योमेट्री है वो आप लोग प्रीवियस तीन वीडियोज़ में बना चुका हूँ, एक और बनाऊँगा अभी, भूला नहीं हूँ, बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को वहाँ से देखिए एक बार, है ना, वहाँ से देखिए। तो ये सात पॉइंट, और इसके अलावा मैंने बेसिक ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था जिसमें आप लोगों को छः पॉइंट अलग से पढ़ाए थे। पहला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। अगला पॉइंट मैंने बताया था दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट बताया था दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। ये चार पॉइंट बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट क्या होता है। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, और मैंने न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, है ना, हिंदी मीडियम को भी साथ। अपने पास आइसोसेलेस क्या होता है, अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, और अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद अगर तीनों साइड्स देने के बाद एक्यूट क्या होगा, ऑब्ट्यूज क्या होगा और राइट क्या होगा, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो ये सात पॉइंट और बेसिक ऑफ ट्रायंगल, ये कंप्लीट वीडियोज़ देखिए, 15-16 वीडियोज़ हैं, उनको पहले देखिए ताकि मंडे से, कल संडे है, संडे को आप लोग बैठ करिए कंप्लीट वीडियोज़ देखिए फटाफट, या जो नोट्स बनाए उनको एक बार रिविज़न करो, ताकि जैसे ही मंडे से, कल से मैं क्वेश्चंस आपको देने शुरू करूँ, आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो नेक्स्ट लेसन हम लोग लेते हैं और नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे सर्किल की। तो अब हम लोग सर्किल की शुरुआत करते हैं। ये वैसे तो मैंने आप लोगों को चौथा पॉइंट पढ़ाया था, इसके बाद पॉलीगन पढ़ाया, और इससे पहले क्वाड्रिलेटरल और लाइन और एंगल के बारे में बता चुका था। लेकिन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और अपने पास सर्किल इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। सर्किल जो है अपने पास, इसमें पढ़ना क्या क्या है, सर्किल या वृत्त, दोनों लैंग्वेज में मैं लेकर चलूँगा। आपको कमेंट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ओनली हिंदी में पढ़ाओ या ओनली इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सर्किल की। देखिए पढ़ना क्या क्या है सर्किल में, क्यों होता है वो मैं समझा चुका हूँ। आप लोग याद रखना, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है। ये अगर थीटा है तो ये टू थीटा होगा। एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होते हैं। एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरा आपको याद रखना है कि अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा राइट एंगल होगा। आर्क से रिलेटेड तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। पहला आर्क है, आर्क से रिलेटेड, फिर कोण है और फिर टेंजेंट है। तीन ही चीज़ें तो पढ़नी है। मैंने छह लेसन आपके लिए डाले हैं ताकि आपको जिसका बेसिक एकदम कमज़ोर हो, बेसिक एकदम वीक हो, वो भी आसानी से समझ सके। लेकिन पढ़ना क्या क्या है और ये क्यों आया, आपको ये जो रिवीजन वाला वीडियो है ये तो देखना ही है, लेकिन पहले सर्किल से रिलेटेड मैंने छह वीडियोज़ आपको दिए हैं जो 40, 45, 50 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो आपको देखने हैं कि आया कैसे। वहाँ पर मैंने कंप्लीट समझाया यहाँ एंगल क्या होगा, बहुत डिटेल से पढ़ाया, वो तो देखने ही देखने हैं। अगला मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि आर्क से रिलेटेड अगर वीडियो आप लोगों को, नेक्स्ट आर्क ये था, अब हम लोग देखते हैं जीवा, कोड से रिलेटेड वीडियो, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। इक्वल कोर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और इक्वल कोर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर दो इक्वल कोर्ड्स हैं ए बी और ए सी, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। दो कोर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, दो कोर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या इस प्रकार से हुई तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, दो कोर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, ये पॉइंट पी है। तो एक पॉइंट तो ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। ये रिजल्ट आपको पढ़ाया था दोनों के लिए। एक मैंने कहा था यहां पर बना एंगल, इन दोनों के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स हो, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई हो, ये एक्स और ये वाई, तो ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों के सम का आधा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का आधा होता है।
और इनको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट P यहाँ पर है मान लीजिए, इसको आगे बढ़ाने पर इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर X है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर Y है, तो यहाँ पर जो बना एंगल होता है वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। दोनों बाहर इंटरसेक्ट करें अंदर, ये तो दोनों में होता है। अगर एंगल अपने पास हो तो ये वाला जो एंगल होता है अपने पास, अंदर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें तो दोनों के सम का आधा, बाहर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें तो दोनों के डिफरेंस का आधा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये जो पॉइंट है अपने पास P से T और ये अगर इंटरसेक्ट करे, एक तो सिर्फ टच ही करे, एक T पर टच कर रहा है और ये AB, तो मुझे ये बताइए PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB के। ये मैंने समझाया था, पहले आर्क पढ़ाया फिर कोण पढ़ाया, अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया टेंजेंट। और टेंजेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ही पॉइंट को टच करके जाए तो वो टेंजेंट होती है, बाहर से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती हैं, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। और एक मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोगों को बताई थी, ये कोण अगर थीटा है तो विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो थीटा होगा। और उसके बाद मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल, चारों अगर वर्टिसेस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और कुछ थ्योरम्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों साइड्स के मल्टीप्लिकेशन का सम, दोनों जो अपने पास डायगनल्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। खूब सारी चीज़ें, क्योंकि 6 वीडियोज़ 50-50 मिनट के, वो तो डीप से होगा ही, उस चीज़ को 6 वीडियोज़ जो 50-50 45-45 मिनट के हैं उनको मैं 10 मिनट में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम आप लोग इनको आसानी से समझ सको, आसानी से रिवाइज कर सको, इसलिए एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये पॉइंट होने के बाद अपने पास सबसे पहले आर्क से रिलेटेड, फिर कोर्ड, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहां से चाप, फिर जीवा के बारे में और फिर स्पर्श रेखा के बारे में। इसके बाद इससे मैंने 6 पॉइंट आप लोगों को बताए थे, वो 6 पॉइंट कौन कौन से थे एक बार समझने की कोशिश करना, क्या आपको याद है या नहीं है देखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो मैंने ऐसे बताए थे 6 पॉइंट सर्किल में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक तो मैंने ये बताया था, ये वाला जो अपने पास यहां से इसकी रेडियस अगर कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो 1/6 ऑफ ए बी। साथ ही मैंने इसके ये भी बताया था, 2 पॉइंट बताए थे, हर एक पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट बताए थे ए और बी। दूसरा मैंने बताया था इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसकी रेडियस अगर सी है तो 1/√c बराबर 1/√a + 1/√b। बताओ याद है या नहीं है, हाँ ना बोलो कुछ, जहाँ बैठे हो हाँ ना कुछ बोलना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। 2 नंबर पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने कहा था कि यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इसके फॉर्मूले लिखवाए थे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का स्क्वायर, ये पॉइंट 2 नंबर आपको बताया था। 3 नंबर पॉइंट में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिसमें रेडियस है, चाहे ये हो उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी तो इसके साथ ब्रैकेट लगाकर, याद करो समझाया मैंने आपको, ब्रैकेट लगाकर लिखना है बाह्य अनुपात, और अगर अपने पास ट्रांसवर्सल हुई, डायरेक्ट हुई तो ब्रैकेट लगाकर बाह्य अनुपात, ट्रांसवर्सल हुई तो ब्रैकेट लगाकर लिखना आपको अंत अनुपात। ये पॉइंट मैंने समझाया था 3 नंबर। 4 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ऐसे समझाया था, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, ये इंटरसेक्ट अगर करे और ये अपने पास ए बी पर इंटरसेक्ट करें और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है पी क्यू आर और एस, और ये एक्स वाई हो, तो मैंने बताया था पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें समझाया था, अगर आपको याद हो तो। अगला जो पॉइंट मैंने समझाया था आप लोगों को, 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट में मैंने 2 पॉइंट, मैंने कहा था हर पॉइंट में मैंने लगभग 2 पॉइंट बताए, इसके बाहर की तरफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है और सेंटर पर बने अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये 2 पॉइंट बताए थे। और एक पॉइंट मैंने ऐसे बताया था, 6 नंबर पॉइंट, अगर अपने पास इस प्रकार से सर्किल के बाहर से अगर अपने पास दो टेंजेंट हो, तो मैंने बताया था इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस अगर R3 है तो R2 बराबर होगा R1 * R3 इसका रूट, ये रिजल्ट बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो पहले मैंने समझाया आपको चार ही चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब आपके दिमाग में एक रेक बन गई कि इस पर कार से ट्रायंगल में क्या पढ़ना है, सात पॉइंट। कौन कौन से पढ़ने एक बार पढ़ो। सर्किल में क्या पढ़ना है, चार पॉइंट। चार पॉइंट में अपने पास सबसे पहले आर्क के बारे में, फिर उसके बाद कोर्ड के बारे में, फिर टेंजेंट के बारे में, और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना है, जीवा, और अपने पास आर्क यानी चाप, और अपने पास स्पर्श रेखा, और इम्पॉर्टेंट ये चार पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ जो कि अपने पास है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। देखो चतुर्भुज बहुत आसान है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना भी आसान है, क्योंकि जितने भी वीडियोस डाले हैं पहले तो चतुर्भुज अकेला था, और फिर उसके बाद जितने भी वीडियोस मैंने डाले, पहली बात तो चतुर्भुज होता क्या है फिर वो समझाया था मैंने, और उसके बाद पांच वीडियो डाले, एक रेक्टेंगल समझाया था, एक स्क्वायर समझाया था, एक पैरेललोग्राम समझाया था, एक रोम्बस समझाया था, और एक ट्रेपेजियम। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये पाँच हमें पढ़ने हैं। किसमें, जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें पांच पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। चतुर्भुज, हिंदी मीडियम वाले नाराज नहीं हो जाना, दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। उस टाइम मैंने आप लोगों को, अगर याद हो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स हो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ऐसा कोई भी आकृति, बंद आकृति, क्लोज फिगर जिसके चार साइड्स हों, तीन हो ट्रायंगल कहेंगे, चार साइड हो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। यहाँ से मैंने कहा था इसको नाम दें ए बी सी और डी। इसके दोनों डायगनल्स मान लो ओ पर मिले, तो एक तो मैंने ये बताया था ए बी डी का क्षेत्रफल, और सी बी डी का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो होता है ए ओ और सी ओ का रेशियो। ए बी डी का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल सी बी डी का क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो होता है ए ओ अपॉन ओ सी का। दूसरा मैंने ये बताया था इसका क्षेत्रफल ए वन, इसका क्षेत्रफल ए टू, ए थ्री और ए फोर, और ये सारी चीज़ें मैंने ये समझाई थी ये होता क्यों है। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स मैंने समझाए थे कि ऐसा होता क्यों है वो मैंने आपको बताया था। ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर ए वन इंटू ए थ्री का क्षेत्रफल बराबर अपने पास होता है ए टू इंटू ए फोर के क्षेत्रफल के। क्यों होता है सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल के छः वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डाले थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप लोग उनको देखिए जिससे कंप्लीट ज्योमेट्री आप लोगों को समझ में आएगी। आज सिर्फ रिवीजन है, देखना उन वीडियोस को ही है कि पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर बाइसेक्ट करें, ए बी सी और डी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ऐसा मैं बता चुका हूँ। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि एक इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ओ पर मिले, तो इस एंगल का और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने के बाद इसमें मैंने पांच पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने क्या क्या पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल में, देखिए ये चीज़ें तो याद रखनी रखनी है, ये पॉइंट्स तो आपको याद होने ही होने चाहिए। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने बताया था रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल या आयत, फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग, फिर अपने पास मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, फिर मैंने आप लोगों को समझाया था पहले रोम्बस के बारे में, सम चतुर्भुज, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम के बारे में, समलंब चतुर्भुज। तो ये अपने पास पांच वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, इनकी डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका क्षेत्रफल डायगनल कैसे कैसे बांटता है, इसके और अपने पास ऐसे मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इनके 10-11 प्रत्येक के 10 या 11 पॉइंट मैंने समझाए हैं,
उनको आप लोग वापस जो पहले वाले वीडियोज हैं उनको देखिए, 10 या 11 पॉइंट प्रत्येक का, क्योंकि पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और 10 और 11 पॉइंट प्रत्येक में रिवाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि नहीं तो फिर से वही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10 11 प्रत्येक के पॉइंट ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल की क्लास में, अगर आपने कल वाला वीडियो मेरा देखा है फ्राइडे वाला, उसमें मैंने पॉलीगन के बारे में पढ़ाया है, तो पॉलीगन ज़्यादा पुराना है नहीं, आप लोगों को वैसे ही याद होगा। मैंने ये भी बताया कि हेक्सागन के डायगनल कैसे निकालते हैं, ऑक्टागन के डायगनल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स क्या होते हैं, अंतर्वृत्त और परिवृत्त तो मैं आपको मेंशुरेशन में पढ़ाऊंगा। मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन बताया है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पॉलीगन में बताया। और लाइन और एंगल जो था वो तो आपने खुद को ही पता है, बहुत आसान सा पॉइंट होता है, तो वो तो आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट आज की क्लास में आप लोगों के लिए ये शुरुआत की है एक रिवीजन करवाने की, ताकि मंडे से जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आज सैटरडे इवनिंग है, कल अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए आऊँगा, हम लोग संडे टॉक करेंगे, जिसमें छोटी छोटी बातें हम लोग करते हैं जिससे आप लोगों का पढ़ाई में मन लगा रहे। आप लोगों से एक पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि अब अगर वीडियोज़ की लेंथ, देखो शुरुआत में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को हैबिट नहीं होती, अब आप लोग मुझे पहचान गए हो, डेली मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, आप लोगों को इंटरेस्ट भी आता होगा, नीचे हाँ ना लिखना है, नहीं आता तो ना लिख देना, आता है तो हाँ लिख देना। साथ ही मुझे एक कमेंट ये करना है आप लोगों को, एक कमेंट करना कि क्या मैं ये जो है वीडियोस की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाकर क्या हम लोग एक घंटे पाँच मिनट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना। और ये कंप्लीट मैंने एक कॉम्पैक्ट सा बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था। तो आप लोग इसको शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो अगर सही लगा तो। मंडे से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस की शुरुआत मैं बता चुका हूँ क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। पहले हम लोग अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन और फिर एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, जिससे वो तीनों पोर्शन आपके क्लियर होंगे। एसएससी अगर आसान क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट लेसन, टफ क्वेश्चन पूछे बाहर से आ जाए तो दूसरा, और प्रीवियस ईयर्स के पूछे तो तीसरा। ऐसे तीन लेसन पहले, फिर तीनों वापस रिवाइज, फिर तीनों वापस रिवाइज, फिर तीनों वापस रिवाइज, 200 सवा 200 क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कमेंट करना कि वीडियो एक घंटे का हम लोग बना सकते हैं, 40-45 मिनट का ही रखें तो ये कमेंट करना। और 6 से 7 का जो टाइम है मेरे लिए फ्री रखा करो आप लोग, मैं आऊँगा हमेशा 6 से 7 आपके पास फ्री रखा करो। तो बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में मंडे को देखेंगे, क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। और इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं क्वेश्चंस डालने शुरू कर दूंगा मंडे से। तो कमेंट कीजिए, और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।